स्कूटी आगे करना भैया। हेलो स्कूटी आगे करना, स्कूटी आगे करना, स्कूटी को आगे करना, स्कूटी को पता नहीं मुझे लेकिन जहाँ पे क्या बोलते हैं तो व्यूज आने चाहिए। आप लोग देखा करो भैया इतनी मेहनत करते हैं। सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप भाई भी रेडी हो चुके भाई, देखना यार बैग तूने बहुत ही बड़ा पहना, मतलब पूरा हम लोग। सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं 3 दिन की ट्रिप पे, 3 दिन की जर्नी। ये डंडा किस लिए पकड़ा आपने, स्टिक जो झंडे लगा? अच्छा माता रानी का झंडा जहाँ पे लगाना है, मतलब जो भी रास्ते में देखेगा अगर कोई जय माता दी बोलना चाहेगा तो वो भी खुश हो जाएगा। जैसे पुलिस वाले रास्ते में मिलेंगे नाके वाले, वो भी देखेंगे, वो भी बोलेंगे कि लड़के वैष्णो माता जी के टेंपल में जा रहे हैं उधर कटरा में, तो हम भी जय माता दी बोल देते हैं। तो साफ बने रही इस वीडियो में, आज हमारी जर्नी बहुत ही लंबी होगी। सो वैसे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में जल्दी वापस आ जाएं, लेकिन हमारा ये प्लान है कि जितने ज़्यादा पार्ट हो सके हम लोग वैष्णो माता के दरबार के बनाए, जो चीज़ें मतलब काफ़ी सारे लोगों ने नहीं भी देखी होंगी ना, वो भी हम लोग अपने ब्लॉग में वीडियो में कवर करेंगे। सो ज़्यादा नहीं बोलता लेकिन 5-6 से ज़्यादा हमारे ब्लॉग होंगे भाई, है ना, इतने तो होंगे ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो डे बाई डे हम लोग मतलब डालते रहेंगे, ब्लॉग एक ही होगा लेकिन पार्ट उसके अलग अलग होंगे। ठीक है, जम्मू टू कटरा पहला हम अपनी जर्नी बताएंगे, उसमें जो जो रास्ते में मिला वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी सीधा मिलते हैं आगे जाके, अभी दुकान से माता रानी का झंडा भी लेना है ना, जो कि इसके डंडे पर लगाना है, साथ में अपनी इधर बाइक के ऊपर बांधना भी है, फिर चलेंगे। तो फिर आपको अपनी जम्मू टू कटरा पहला एक ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाएंगे। सो वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय माता दी लिख दें। ओके नीचे उतरो सबसे पहले, तो हमारे भक्त भी आ गए नीचे। हाँ जी, कैसे ठीक हो, क्या नाम है चैनल? चैनल का नाम ऊपर लिखा हुआ है हेलमेट पे, अजय पंजाबी है। ठीक है, अजय पंजाबी, अजय पंजाबी है। हाँ जी, ये मुझे दे दो, वो डंडा निकाल के लगाओ। ये एक्चुअली हमारी जर्नी होने वाली है जम्मू टू कटरा, फिर उसके बाद आपको सीधा माता रानी के दर्शन करवाएंगे ऊपर भवन में जाके। भाई जहाँ का व्यू भी देख सकते हो आप लोग, कितना प्यारा लग रहा है जी। एक्चुअली सिद्रा वाले रोड पे हम लोग आ चुके हैं, और जहाँ पे काफ़ी सारे हमें मंथी मिले हैं, तो हमने अपने बैग के अंदर ये फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, तो हमने सोचा चलो इनको भी देते हुए जाते हैं, क्योंकि माता रानी के दरबार में जा रहे हैं और साथ में इनको देना बहुत ही अच्छी बात होती है। यू नो आज की वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक करते रहना। और पीछे एक ट्रक के साथ टक्कर होगी, छोटी सी टक्कर हुई, ज़्यादा भी नहीं है, अभी पता नहीं क्या पंगा पड़ गया उनका। ये नीचे कौन सा रास्ता है, ये वाला रोप वे वाला है ना, केबल कार के लिए होगा, ये भी टूर के लिए होगा, घूमने के लिए। नीचे उन्होंने केबल कार लगाई है जैसे वैष्णो देवी में लगी है ना। आगे मैंने दो लड़के देखे उस टाइम पे, मेरा कैमरा बंद था, वो ऐसे इतनी स्पीड से गए, कम से कम 100+ की स्पीड थी उनकी, 100+। वो एक KTM वाला था और एक साथ में उसके पास बाइक थी, वो RS 200, पल्सर RS 200 200 वाली, वो इतनी स्पीड से गए, 100+ स्पीड, यू नो कितनी ज़्यादा होती है। सबसे पहले गाइस अभी पेट्रोल भरवाते हैं, फिर उसके बाद सीधा चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो अभी इधर को चलते हैं लेफ्ट में। यार कैसे पैसे पकड़ा दिए हाथ में, अभी कैसे इनको सीधा कैसे करूं यार, पता नहीं चल रहा साला, कुछ दिमाग खराब हो रहा है यार। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो 600 का पेट्रोल डलवाने लगे हम लोग, और जहाँ का व्यू भी काफी खतरनाक है ना। ओ तेरी, देखो भाई इधर, ओ माय गॉड, नीचे देखो पहले, नीचे नीचे क्या, ओ उतर क्यों रहा, डर लग रहा मुझे, अभी खतरनाक व्यू है यार। ओ माय गॉड गाइस, जहाँ से आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ, भाई अगर जहाँ से बंदा नीचे पड़े ना तो एक सेकंड, एक पूरा पूरा मैं ज्यादा नहीं बोलता, 30-40 सेकंड लगेगा नीचे लास्ट तक पहुंचने के लिए, हड्डियों का सुरमा बन जाएगा, सुरमा बनेगा बिल्कुल। व्यू काफी अच्छा आ रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है, और वहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी लड़कियां भी है, लड़के भी है जो फोटोग्राफी के लिए खड़े हैं ना, तो इसलिए हम वहाँ पे रुके नहीं ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाकी रहने देते हैं, अदरवाइज यू नो जो भी है। तो अभी जहाँ से पहले मैं अपनी बाइक को आपको दिखाता हूँ, ये देखो जहाँ पे हमने जो माता रानी का झंडा लगाया था,
अभी देखो, अभी जब हम जम्मू से मतलब निकले थे, सिद्रा वाले रोड पे थे, तो उस टाइम हमें काफी सारे मनके मिले, तो हमने ये बनानास वगैरह हाथ में ले लिए ताकि वो मिलेंगे उनको दे देंगे। लेकिन उसके बाद मिले तो हैं, लेकिन पकड़ी से, लेकिन काफी ग्रुप बाय ग्रुप मिल रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग उनको देख नहीं पा रहे। वो मनकी आ गए, मनकी बैठ बैठ जल्दी, एक दे दे, एक दे दे, एक दे दे। एक और दे, एक और दे, एक और दे, एक और, एक और दे ना। कोई आ गया, कोई बच्चा वगैरह, ये देखो इनको बनाना, वो दे ना, एक और आ गया, बच्चा आ गया, उसको देते हैं ना बच्चे को। वो फेंक किसकी तरफ फेंक, नहीं उसको आने दे, बच्चे को आने दे। वो दो तीन और आ गए, भाग यहाँ से, भाग भाग, तू क्या कर रहा है यार, फेंक क्यों दिया अभी। अच्छा हुआ हम लोग बाइक पे आ गए, अगर गाड़ी में आते देख कितना ज़्यादा क्राउड है। अभी बाइक तो नीचे इस साइड से निकल जाएगी, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं उसे, वो बड़ी गाड़ी तो हम लोग फोर व्हीलर जहाँ से निकाल नहीं सकते। यही टोल प्लाजा, इसके बाद सीधा कटरा ही आएगा, है ना, ये जम्मू मतलब जहाँ से ख़त्म होता है। क्या हम भी उधर ही आ रहे हैं, तो आए कहाँ से हो, बहुत दूर से आए हैं। ये दूसरी टनल आ गई है, बाहर का व्यू देख कितना प्यारा, ओ तेरी, ये सबसे लंबी सुरंग आई है भाई, टोटल तीन आई, आनी थी ना रास्ते में, टोटल तीन आती है गाइस रास्ते में, और ये थर्ड वाली है, और जहाँ तो क्या बोलते हैं, काफी लंबी है ये लंबी है। ये पूरी दिखाते हैं आपको, वो देखो आगे भी है भाई, इसके साथ वाला थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बाद फिर से चालू हो गई है। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप वैष्णो देवी कटरा में जाना चाहते हो, तो बीच में चार पांच सुरंग आएंगी, वो हम आप लोगों को अभी दिखा रहे हैं, तो आप भी देख लेना जब कभी जहाँ पे आओगे। जो लोग तो जहाँ पे आते रहते हैं, जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनको तो अच्छी तरह से मालूम होगा, जिन्हें नहीं पता तो उनको हम लोग बताना चाहते हैं। ये सबसे लंबी सुरंग है, यही वाली, हम लोग दूसरी वाली को बोल रहे थे, लेकिन ये सबसे लंबी है भाई। जय माता दी, कहाँ से आ रहे हो? शामली। शामली से? अभी कितनी देर हुआ उधर से आते हुए यहाँ पे? 13 दिन हो गया। 13 दिन हो गए, लेकिन सही टाइम पे आए, मतलब पहले नवरात्रे वाले दिन आप लोग पहुँच ही जाओगे ना? पहले पहले कल पहुँचेंगे, परसों पहुँचेंगे माता का, ऊपर ऊपर भवन में। हाँ, परसों, दो दिन लगे। तुम कहाँ से आए? हम तो इधर जम्मू से ही, यहाँ लोकल है। हमने देखा जा रहे हैं जो माता रानी के बगल जा रहे हैं, तो हम भी झंडा लगाया माता रानी की। 13 दिन हो गया, 13 दिन से दो ही जा रहे हो ना आप? मेरी तीसरी यात्रा है ये। तीसरी यात्रा? इसके पहले भी आए थे? पहले तीन बार आए। तीसरी यात्रा ग्राउंड रोड से जम्मू कटरा माता वैष्णो, अच्छी बात है यार। जब तक बुलाएगी ऐसे आऊँगा, बाकी माता रानी बुलाएगी तो जाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, जय माता दी। अभी हम लोग ना लगभग पहुंच चुके हैं, ये मेरे ख्याल से आखिरी नाका होगा, इसके बाद कोई नाका नहीं है। चेकिंग पॉइंट है ना ये, इसके बीच ही होते हुए जाना है इधर से सीधा। अगर जहां पे आप आना चाहते हो ना, वैष्णो माता कटरा में है ना, तो जहां पर खाने की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब 100-100 मीटर के बाद बहुत ही ज़्यादा रेस्टोरेंट वैष्णो ढाबा ज़्यादातर आपको मिलेंगे जहां पर। ये देखो इधर आ गया, इसके पीछे अभी 10 मीटर भी पीछे नहीं है तो एक और ढाबा था, और आगे फिर आगे आएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ढाबे जहाँ पर खाने की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी, है ना। देखना ज़्यादा ना आ जाए, फिर ज़्यादा भी आ जाते हैं कई बार। ऐसे है ना कि जल्दी आ जाना, ऐसे क्या होता है कि वो सभी आ गए ना पीछे, अगर इसको थोड़ा साइड में लगा लो इधर ही। वीडियो वगैरह नहीं बनाते आप? वीडियो नहीं बनाते? अच्छा, खाली इंजॉय ज़्यादातर है, बाकी उधर जाके बनाओगे, है ना, उधर जाके बनाओगे वहाँ एक बार वीडियो। हाँ, ये तो रोड के लिए बहुत ही होता है दिक्कत है, इसकी भी बैटरी अभी हेलमेट खत्म होने वाली है। हमें ब्लॉगिंग बनाते हैं। हाँ हाँ, इस नाम से यही है ना चैनल ऊपर लिखा है, हेलमेट के अजय पजनाथी है।
हाँ बिल्कुल जी, आपका भी हम देखेंगे जी। पीछे आपने पूरा लोगो लगा के रखा है ना, बिल्कुल आराम से देख सकता है आदमी बिल्कुल पीछे अच्छी तरह से। बोलो आ जा, बुलाना नहीं यार, उस साइड भी काफ़ी सारे हैं क्या। हाँ बिल्कुल, फिलहाल तो हम जम्मू से ही आए हैं, हमें एक थोड़ा साइड में जाओ, गाड़ी आ रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक डेढ़ घंटा हुआ घर से निकले हुए, ये डरते बहुत हैं यार, कहीं यार कहीं तो फिर ऐसे नहीं लेंगे जी। देख कितने आ रहे हो उस साइड से, देखो ऊपर से आ रहे हैं यार। अब सहना आ गई। हाँ हाँ बजरंग बली के बहुत आ गए अभी जो सारे के सारे बजरंग, आप हाथ से देने के लिए जाए तो देखना। बिल्कुल बिल्कुल जी, छोटे बच्चे को देखो, वो देखो ना बड़ा वाला है, वो अगर उसने काटते थोड़ी ना जाए जी, ये बच्चे को देता हूँ। इधर आ बेटा, ओ भाग रहे हैं ये। अरे भाई हाँ, वो और लेने के लिए आ गई। कौन? वो है सबके लिए एक एक डब्बा। आप वैष्णो देवी पहले आए हो कभी? नहीं दीदी, मैं पहली बार आया हूँ और मैं कटरा रुकूंगा कई दिन। अच्छा, क्योंकि ऊपर है ना, ऊपर अगर आप किसी को डालोगे ना तो ऐसे आ जाते हैं जो छीनने लगते हैं जी, आपके बैग वगैरह है ना ये भी छीन लेंगे जी। गुड गुड। अच्छा, एक नया रोड है, एक पुराना रोड है। आपका रियल नेम भी सच्ची नहीं है? हाँ जी सच्ची नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, सर्च करेंगे हम अभी जाके, पता कर लेता हूँ। चलो कर ही लेते हैं। हाँ थोड़ा, मैं तो क्या है स्ट्रीट सिंगिंग करता हूँ जी, आप देख सकते हैं ना जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं जी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो जो बाइक का चैनल है, इस पर भी जाके आप लोग विजिट कर सकते हो, इनको चैनल को सब्सक्राइब करो, काफ़ी अच्छी है। अभी हम भी थोड़ा देखते हैं इनकी एक दो वीडियो, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये कहाँ से पार्टी शार्टी में गए होंगे कहीं है? ये ना आपका फर्स्ट? हाँ 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 ठीक है। ये वाला ना आपका कौन सा पार्टी शार्टी? ये ना सचिन फॉल्स का। नहीं ये पार्टी का नहीं, मैं स्ट्रीट सिंगिंग करता हूँ कहीं भी, ये बीकानेर का शायद। तो ये कौन से वाले? ये वाले दो वाले, ये वाला हूँ मैं। अच्छा अच्छा, और कोई भी आता है वो गाता है। ये मेरा अभी ब्लॉग एक ही बनाया था मैंने, जब इंडिया टूर स्टार्ट किया है ना मैंने, पर मुझे आता नहीं है फिर एक्सप्लोर करना, फिर एडिटिंग के लिए टाइम देना। बहुत बहुत बुरी हालत, बहुत ज़्यादा। आप तो अच्छे से जान सकते हैं इस चीज़ को ना। मैं तो क्योंकि दो साल से पढ़ा हूँ इस फील्ड में, तो अभी एक साल के लिए मैंने क्विट भी कर दिया था, कोई वीडियो नहीं डाली। अच्छा। चैनल हो गया मेरा डेड, और फिर से जब स्टार्ट किया मैंने तो अभी व्यूज थोड़े कम आते हैं, अभी देखते हैं धीरे धीरे करते रहते हैं। तो व्यूज आने चाहिए, आप लोग देखा करो भैया इतनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल करने तो पड़ती है ना अभी। चलो सच में वाकई में मेहनत होती है भैया, मैंने तो एक वीडियो बना के देखा था 10-15 मिनट का, तो हालत टाइट हो गई उसको एडिट करने में, और फिर एडिट भी मुझसे ऐसा ही हुआ है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं जिस पर्पज से निकला हूँ वो करना है, सही बात। मेरा ब्लॉगिंग हर किसी के बात की बस की बात भी नहीं है, सही बात। एक्सप्लोर करना चीज़ों को, ब्लॉगिंग में एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है ना कई बार, क्या होता है कि कभी दूर दूर जाना पड़ता है, नई नई चीज़ें ना दिखाओ, एक दो दिन वीडियो ना डालो तो लोग आपको पता है वीडियो देखना भी बंद कर देते हैं कई बार। ये बात है, बहुत ज़्यादा होता है ना, बाकी लगे रहते हैं। अभी देखते हैं अभी हम लोग, अगर मैं ब्लॉगिंग बनाऊँ तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया का टूर पर निकला हूँ, और अगर मैं ब्लॉगिंग भी करूँ कितनी देर सुबह भाई था जो मेरा एक्सपेंसेस है ना जो वो बच जाएगा, क्योंकि मुझे घूमना तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी का जो मेरा पैसा जो मुझे मिलता है लोग खुशी से जो दे देते हैं, जैसे मैं गिटार प्ले करता हूँ ऑन स्ट्रीट्स, तो मुझे जो ये गिटार ही है ना पीछे, हाँ जी हाँ, तो टिप्स वगैरह जो मिलती है ना मुझे जो भी लोग खुशी से देखे जाते हैं उससे मेरा काम चलता रहता है। अभी तो पॉकेट से जा रहा है क्योंकि लंबा टूर था पंजाब के अंदर मैं करता, लेकिन वहाँ 144 लगी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी मतलब कटरा में आप स्टे करोगे, फिर ऊपर कब जाओगे? कटरा के अंदर मैं 7-8 दिन रुकूंगा। अच्छा, ऊपर वैष्णो मैया के दर्शन करने अभी नहीं जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं, मैंने काफ़ी पहले टिकट बुक करा रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो 10 तारीख को आएंगे, देन उनको जम्मू से लेके वापस, तब उनके साथ में दर्शन करने की मेरी तमन्ना है, मतलब एक ही है। अच्छा अच्छा, मम्मी पापा के साथ जाओगे? हाँ, मैं पहली बार भी दर्शन करूँ तो मम्मी पापा के साथ ही। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। वो तो आना नहीं चाह रहे थे, पर मैंने उनको बुलाया, नहीं आपके साथ दर्शन करूँगा मैं, आपको आना है, तो उनको टिकट बुक कर दी। अभी भी फिर मना करे तो मैंने, मौसम बहुत ठंडा होता है। हाँ जी, वो सामने माता की पहाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ से थोड़ा फॉग है ना, हाँ, जिसकी वजह से हमें पूरा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा वही है? हाँ बिल्कुल, जो ऊंची पहाड़ी है ना, ऊपर के लोगों ने स्टेटस लगा रखे उसी टाइम के, देखो यार। मैंने खुद स्टेटस लगाया था कि जे, मैंने खुद स्टेटस में पता क्या लिखा था, माता रानी का गिफ्ट है जे सभी आप लोगों के लिए। ये फैक्ट है ये चीज, क्योंकि पिछली बार भी मैंने सुना था
एक दिन पहले ही भूकंप आया था, नवरात्रि के एक दिन पहले जैसे आया था? ऐसे आ जाए वैसे सेम पिछली बार भी हुआ था। मुझे तो कई बार ऐसा फील होता है कि माता रानी का मतलब आगमन होता है पृथ्वी लोक पे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सही बात है। बार भी ऐसे आया था, बहुत आगे पीछे बहुत हुआ था इंसान वगैरह, लेकिन जम्मू बच गया। चाइना में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। अगर जम्मू में कोई स्वर्ग देखने जाता तो इससे बढ़िया स्वर्ग कोई नहीं होगा। वो मिला था लेकिन कहीं भी नुकसान कहीं नहीं हुआ है ना, कहीं कोई बिल्डिंग भी गिरी हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ा झटका लगा, झटका पहले ही वाला, नहीं अभी भी झटका तगड़ा था आज का भी। ऐसे ऐसे हिल रहा था, मैंने कहा बताओ यार, डर तो लगता है बंदे को, रहा था ची ची ची। अब जब ऐसे कर सकता है बेड, बिल्डिंग गिरना नॉर्मल सी चीज है। तो ये जम्मू जो है ना, जम्मू को प्रोटेक्ट सिर्फ माता रानी कर रही है। जम्मू के सर पर हाल खाली माता रानी का, तभी ये जम्मू पूरा सेफ है। आर्मी के जो जवान होते हैं ना, जहाँ की जो मिट्टी होती है ना, मैंने बहुत बार देखा, पैक करके लेते हैं अपने घर में लेके जाते हैं, कहते हैं पवित्र धरती की मिट्टी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, देवभूमि है, पूरा हिमालय तो पूरा देवभूमि है। हाँ हाँ हाँ, जम्मू में वैसे भी देवी देवताओं की जगह कुछ ज्यादा, ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जम्मू में ही होगी, है ना? जम्मू उत्तराखंड में केदारनाथ है। तो गाइस कटरा में पहुंचने के बाद आप जहाँ का व्यू देख सकते हो, सबसे पहले पहाड़ी जहाँ पे हम लोग जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए, कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है, वो दूर तक पहाड़ी दिखाई दे। लेकिन जहाँ पे यार इतना ज़्यादा ट्रैफिक ऐसे हो गया, पीछे तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, पूरे जम्मू से लेकर कटरे तक बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था, लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक हो गया यार, अभी क्या प्रॉब्लम हो गई। अभी आगे किधर है, आगे उस साइड है ना, आगे करना। स्कूटी आगे करना भैया, हेलो स्कूटी आगे करना, स्कूटी आगे करना, स्कूटी को आगे करना, स्कूटी को। अभी सब जाना पड़ेगा, भाई जहाँ पे देख क्या बात है यार, भीड़ का तो पता नहीं मुझे, लेकिन जहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक के साथ आगे बाइक कहाँ पे लगानी है, उधर पार्किंग कहाँ पे, पार्किंग जहाँ पे काफ़ी सारी प्रोटेक्शन लगी हुई है साथ में थोड़ा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। अदरवाइज वो तेरी मतलब पूरा जम्मू हमने खाली देखा ना, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे ट्रैफिक किसे कहते हैं, अभी ट्रैफिक का नज़ारा हमें दिखाई देगा पूरा का पूरा। इधर से, इधर से, अच्छा 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 काफी। तो भाई सभी जहाँ पे हम लोग अभी बाइक को पार्क करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते सीधा पहले क्या सेफ जगह देखना, कोई सेफ जगह इधर ही होगा ना, इधर ही जाने दे पहले, इधर देखते हैं उसके बाद। तो गाइस अभी आप जहाँ का व्यू देख सकते हो भाई, उस साइड दिखा, वो पहाड़ी दिखा, अब इसके दूसरी साइड हमें जाना, बैक साइड वहाँ पे जाना, और वहाँ पे जाके हम लोग वो करेंगे क्या बोलते हैं। तो भाई ऊपर देखो पहले, ऊपर का व्यू ही बहुत प्यारा दिख रहा है यार, जन्नत है सच में, जहाँ पे स्वर्ग है ना, जिसे जन्नत बोलते हैं, इससे बड़ी जन्नत अपनी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, जितनी तगड़ी जन्नत जहाँ पे है। तो अभी हम लोग अपनी बाइक को पार्किंग करेंगे, अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कार्ड भी हमने ले लिए, जो क्या बोलते थे दर्शन कार्ड, हाँ दर्शन के लिए जो कार्ड होते हैं ये भी हमने ले लिए, रजिस्ट्रेशन करवा ली अपनी, अभी सीधा बाइक को पार्क करते हैं, फिर उसके बाद सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में चलेंगे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ये एक्चुअली पहला पार्ट हमारा वैष्णो देवी माता के मंदिर का, ठीक है? तो हमने ये एक्चुअली हमारा ब्लॉग होगा जम्मू टू कटरा बाल गंगा तक, ठीक है? तो बाल गंगा के बारे में भी आपको बताएंगे, अभी दूसरा जो ब्लॉग होगा ना उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सो ठीक है, फिर अभी मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। ओके बाय, सी यू, जय माता दी।